इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हम दिल दे चुके सनम, कल शाम 5:30 बजे। क्या बन सकता है हम दिल दे चुके का सीक्वल? कौन होगी हम दे दिल चुके की नंदनी और क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआर। 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम दिल दे चुके सनम आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। इस फिल्म में अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की इक्वेशन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिल्म के हर एक पहलू को सराहना मिली थी, चाहे वो कास्टिंग हो या डायरेक्शन, स्टोरी हो या म्यूजिक, कॉस्ट्यूम या सेट। जाहिर है आज के रीमेक एरा में इस क्लासिक फिल्म को मेकर्स कैसे भूल सकते हैं। और खबरें आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली अब इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी खबरें सामने आ रही है। वहीं फिल्म में मेन लीड रोल का किरदार कौन करेगा ये भी, इसके लिए भी खबरें आ रही हैं। जो हीरो होगा वो तो सलमान खान तय है, लेकिन एक्साइटमेंट है कि फीमेल लीड कौन होगी। इस चॉइस पर संजय लीला भंसाली एक राय नहीं रख पा रहे हैं। भंसाली की लिस्ट में 3 नाम शामिल हैं, जिसमें पहला नाम है ऐश्वर्या राय, जिन्होंने पहले फिल्म में भी नंदिनी का किरदार कर लिया है। सलमान, उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन इस बात से कौन अनजान है कि बाद में दोनों के रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके थे। दूसरे नंबर पर है दीपिका पादुकोण, जो भंसाली की कई फिल्मों में नज़र आ चुकी है, हालांकि डेट इशू के चलते कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम प्रियंका चोपड़ा का है, लेकिन सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग से ऐन मौके पर मुकर जाने की वजह से ये जो जोड़ी है वो नहीं बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ सलमान फिल्म में कटरीना को लेना चाहते हैं, लेकिन शायद इस फिल्म के लिए भंसाली कटरीना को फिट नहीं समझते हैं। अब आखिरी फैसला तो मेकर्स के हाथ में ही है। बात करें कहानी की तो ये ना ही पिछले फिल्म का सीक्वल होने वाली है, ना ही रीमेक होने वाली है। इस बार कहानी पिछली बार से अलग होगी, ये कहा जा रहा है। कहानी भी पिछली बार से काफ़ी अलग होने वाली है, लेकिन फिर भी इसके लिए ये नाम इसीलिए चुना गया है क्योंकि इस कहानी में हर वो एलिमेंट मिलेगा जो पिछली स्टोरी में है, यानी कि लव, मैरिड लाइफ, हार्ट ब्रेक, सैक्रिफाइस। अब क्या ये कहानी पिछली फिल्म की तरह ही इतिहास रच पाएगी या फिर सेम नेम के बोझ तले दब जाएगी, कहीं खो जाएगी, ये तो इसके बनने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको कितना इंतजार है हम दिल दे चुके के सीक्वल का, और आप किसे चाहते हैं इस फिल्म में, नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।